उन जंगली जानवरों की भी चिंता नहीं करता। वो जानता है कि मुझे इन जंगली जानवरों का सामना कैसे करना है, अपनी भेड़ों को कैसे इन जंगली जानवरों से बचाना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हमारा आज का टॉपिक है कि परमेश्वर अपने लोगों की किस प्रकार से देखभाल करता है। बहुत से लोगों ये धारणा होती है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सुधि नहीं रखता है, परमेश्वर जो है हमारी देखभाल नहीं करता है, परमेश्वर जो है हम पर अपनी दृष्टि नहीं बनाए रखता है, परमेश्वर जो है अपना अनुग्रह जो है हम पर नहीं करता है। परंतु ये बात गलत है। आज हम इस बात से सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी देखभाल करता है। सबसे पहले है, परमेश्वर एक पिता की तरह जो है वह हमारी देखभाल करता है। जी हाँ, एक पिता की तरह जो है वह देखभाल करता है। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं भजन संहिता 103 का 13 पद, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरबैयों पर दया करता है। देखिए यहां पर क्या उदाहरण दिया, जैसे पिता है अपने बालकों पर, अपने बच्चों पर दया करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगा रहता है, दिन रात मेहनत करता है, और वो ना रात दिखता है ना दिन दिखता है, ना आंधी दिखता है ना तूफान दिखता है ना बरसात दिखता है ना जाड़ा गर्मी, कुछ नहीं। परंतु वो अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस तरीके से वो एक पिता अपने कार्य में लगा रहता है, वैसे ही परमेश्वर जो है वो दिन रात कुछ नहीं देखता है, 24 घंटे उसकी निगाह अपने बच्चों पर लगी रहती है। और एक पिता के समान जो है वो हमारी चिंता करता है, एक पिता के समान वो अपना दया, अपना अनुग्रह जो है वो हम पर बनाए रखता है। तो इसलिए परमेश्वर जो है एक पिता की तरह जो है वो हमारी देखभाल करता है। और दूसरा है, यहोवा जो है एक चरवाह की तरह देखभाल करता है, यानी परमेश्वर जो है एक चरवाह की तरह हमारी देखभाल करता है। कैसे? भजन से एक, यहोवा मेरा चरवा है मुझे कुछ घटी ना होगी। देखिए यहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है कि परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर जो हमारा चरवा है और हमें वो घटी नहीं होने देता, उसे पता है उसकी भेड़ों को कैसा चारा चाहिए, उसको पता है वो अच्छा और उत्तम चारा कहाँ मिलेगा, उसे पता है कि उसको जो है प्यास लगी है, उसे पता है कि भेड़े जब मैदान में हैं तो जंगली जानवरों से उनकी कैसे रक्षा करेगा, किस तरीके से करेगा, वो सब कुछ जानता है। और इसलिए वो हर तरीके से हमारी रक्षा करता है, जैसा एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, जैसा एक चरवाहा अपने भेड़ों की अगुवाई करता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी अगुवाई करता है। आप जानते हैं जब आप लूका 15 अध्याय 1 से 7 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक खोई हुई भेड़ का उदाहरण है। अगर कोई भेड़ जो है दूर हो जाती है, अगर कोई भेड़ जो है झुंड से अलग हो जाती है, कहीं खो जाती है, तो वो चरवाह जो है, जो परमेश्वर हमारा चरवाह है, वो हमें ढूंढता है। जैसा एक चरवा अपनी भेड़ को ढूंढता है और जब तक वो मिल ना जाए वो उसे ढूंढता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारी एक चरवाहे के समान जो है हमारी रक्षा करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हम परमेश्वर की भेड़ें हैं और वो अपनी भेड़ को खोने नहीं देता है। और जैसे एक चरवाहा की जब भेड़ मिल जाती है तो वो बहुत आनंदित होता है, जो भेड़े उसके पास है उनके लिए आनंदित नहीं होता है क्योंकि वो तो उसके पास है, परंतु जो खो गई थी, जो झुंड से अलग हो गई थी, जो चली गई थी, जब वो मिल जाती है तो उसके लिए बहुत आनंदित होता है। तो हमारा परमेश्वर भी, जब हम अपने परमेश्वर से की भेड़शाला से निकल जाते हैं, अपने परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं, और उसके बाद जब हम लौट कर आते हैं परमेश्वर के पास, फिर मिल जाते हैं, परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ आया, यीशु मसीह हमें ढूंढता है और जब वो पा लेता है तो बहुत आनंदित होता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। और यूहन्ना 10 अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है, अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखिए एक चरवाहा जो होता है जब मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उन्हें चराता है, तो इस बात की चिंता नहीं करता, ना बरसात की करता है, ना आंधी की, ना तूफान की, ना जाड़े की, ना गर्मी की, किसी बात की चिंता नहीं करता, उन जंगली जानवरों की भी चिंता नहीं करता। वो जानता है कि मुझे इन जंगली जानवरों का सामना कैसे करना है, अपनी भेड़ों को कैसे इन जंगली जानवरों से बचाना। तो परमेश्वर जो है हमारी ऐसे ही रक्षा करता है, वो जानता है कि हमारा बचाव कैसे होगा, वो जानता है कि वो हमें कैसे बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो है एक मुर्गी के समान जो है पंख के नीचे रखकर हमारी रक्षा करता है। मत्ती
23 अध्याय उसके 37 पद में लिखा हुआ है, हे यरूशलम, हे यरूशलम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। अब जानते हैं मुर्गी का क्या पंखों के नीचे कब अपने बच्चों को रखती है, जब बच्चे खुले में दाना चुग रहे होते हैं, जब वो देखती है आकाश के अंदर किसी चील को उड़ता हुआ देखती है, किसी बाज को उड़ता हुआ देखती है, एक ऐसे पक्षियों को जब वो उड़ता हुआ देखती है, या कुत्ते और बिल्ली को आता हुआ देखती है, तब वो जो है एक आवाज करती है अपनी चोंच से जमीन के ऊपर, और सारे बच्चे जो हैं उस आवाज को सुनकर जो है उसके परों के नीचे आ जाते हैं और वो अपने परों के नीचे जो है उनको ढांप लेती है, यानी उस मुसीबत से उनको छुपा लेती है, उस मुसीबत से उनको छुपा लेती है, उनको जो है उनकी नजरों में जो उनका आहार करने वाले थे, जो उनके शिकारी थे, उनको उनसे बचा लेती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर भी उस मुसीबत से हमें अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है, हमें अपने पंखों के नीचे रख लेता है, हमें उस वो मुसीबत जो है जो आती है वो हमें देख नहीं पाती है, क्योंकि परमेश्वर अपने पंखों के नीचे हमें मुर्गी के समान हमारी रक्षा करता है, मुर्गी के समान हमें छुपा लेता है। हम उसकी आवाज को तो सुने कि वो हमें बुला रहा है, और भजन संहिता 17:8 में कहता है, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है अपने पंखों के तले छिपा रख, और परमेश्वर जो है वो ये चाहता है कि सब मेरे पंखों के तले, मतलब मेरी शरण में आ जाए। पंखों के तले होने का मतलब है परमेश्वर के पंख नहीं लगे हैं, बल्कि परमेश्वर कहता है मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सारी मुसीबत से छुपा लूंगा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को समझें। और एक और है, उकाऊ पक्षी के समान, जी हाँ, उकाऊ पक्षी के समान जो है परमेश्वर जो है हमारी देखभाल करता है। कैसे करता है? व्यवस्था विवरण 32:11, जैसे उकाऊ अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन देखिए यहां क्या कहता है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि एक उकाऊ पक्षी होता है, वो अपने घोंसले को बहुत जोर जोर से हिलाता है, और वो इसलिए हिलाता है ताकि उसके बच्चे जो है वो घोंसले से बाहर गिरे, जब उनके पंख निकल आते हैं, जब वो उड़ना जब सिखा रहा होता है, और वो जो है उनके ऊपर ही मंडलाता रहता है, और जैसे ही बच्चे घोंसले से निकलकर बाहर गिरते हैं, वो फड़फड़ाते हैं, अगर उड़ नहीं पाते हैं, वैसे ही उड़ता हुआ उनके नीचे आ जाता है और अपने पंखों के ऊपर अपने ऊपर उनको बैठा लेता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है बिल्कुल ऐसे ही उकाऊ पक्षी के समान हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है, कि वो चिंता और परेशानी में हमें घिरने देता है। वो कहता है कि घिरने दो, जब परेशानी चिंताएं आती हैं और हम जब गिरने लगते हैं, जब डगमगाने लगते हैं, तभी परमेश्वर आता है उकाऊ पक्षी के समान डाइव लगा के हमें ऊपर उठा लेता है, हमें उस परेशानी से निकाल लेता है, हमें उस परेशानी से उभार लेता है। जी हाँ, परमेश्वर है कैसे नहीं देखभाल करता है। फिर लिखा वो एक कुम्हार के समान जो है परमेश्वर देखभाल करता है। यशाया 64:8 में लिखा, तो भी हे प्रभु, हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर जो है एक कुम्हार के समान हमारी देखभाल करता है। अब कुम्हार का काम क्या होता है? वो अपने बर्तनों को देखता है कि कहीं पे क्रश नहीं है, कहीं पे कोई कंकड़ पत्थर ना आ जाए, बर्तन अच्छा बना है या नहीं बना है। हमें परमेश्वर हमेशा अच्छा बनाता है, हमेशा उसने अच्छा बनाया है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है। हम पाप में गिरकर टूट फूट गए थे, उसने फिर से यीशु मसीह को भेजकर हमारा निर्माण किया, हमें फिर से बनाया है एक कुम्हार के समान, क्योंकि हम मिट्टी हैं और परमेश्वर जो है हमारी इस तरीके से देखभाल करता है। और यूहन्ना की इंजील और 15:1-2 पद पढ़ेंगे तो वो एक किसान की तरह जो है वो हमारी देखभाल करता है। जैसे एक किसान अपने खेत में अपने फसल की देखभाल करता है, उसको खेत में कब निराई करना है, कब उसमें बुआई करना है, कब उसमें पानी डालना है, कितना पानी डालना है, कितना खाद डालना है, ये सब जो है एक किसान करता है। परमेश्वर जो है एक किसान की तरह करता है। क्या कहता है यूहन्ना 15:1-2 में, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है,
जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। बस हमारा काम क्या है, हमें फलवंत होना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारी दाखलता है हम उससे जुड़े हैं तो हमें फलवंत होना है, क्योंकि हमारा पिता किसान है और वो जानता है कि उस डाली को कैसे बढ़ाना, कैसे उसमें फल लगना है। जब हम फलवंत होने लगते हैं तो वह छांटता है ताकि हम और फल लाएं और फलवंत होने पाए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि परमेश्वर हमारी देखभाल नहीं करता है। ये मैंने आपको कई कारण दिए हैं, कई चीजें बताई हैं जिसके द्वारा परमेश्वर जो है वो हमारी देखभाल किस तरीके से करता है। एक पिता के समान करता है, चरवाहे के समान करता है, मुर्गी के समान करता है, उकाओ पक्षी के समान करता है, और वो एक कुम्हार के समान करता है, एक किसान के समान जो है वह हमारी देखभाल करता है। हम अपने देखभाल को, अपने पालन पोषण को हम सब अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, ताकि परमेश्वर अपने तरीके से हमारी देखभाल करता रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।